अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। आज हम सीखेंगे कि अडोब फोटोशॉप में जो पिंपल होते हैं, एक्नी वगैरह होती है, तो ये किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। चलते हैं अडोब फोटोशॉप की तरफ। अडोब फोटोशॉप को हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, ओपन फाइल, जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल ओ। तो हम यहाँ से एक फोटो उठा लेते हैं। जैसा कि ये इसके चेहरे पे सारे पिंपल वगैरह हैं, तो हमने इसको क्या करना है कि रिमूव करना है बिल्कुल क्लियर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो टूल है हीलिंग बोस टूल, हम इसके जरिए भी खत्म कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं थोड़ा जूम। ये जो हीलिंग बोस है, इसका जो शॉर्ट की है वो है जे, तो हम इसको कर लेते हैं छोटा। यहाँ पे चलाएंगे, ये नहीं चल रहा, हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पे आल्ट प्रेस करके कोई भी जो क्लियर जगह होगी वहां से क्लिक करेंगे माउस के जरिए। तो ये देखें, इस तरह से हो सकता है। दूसरा, इसके साथ जो ब्रश है पैच टूल, तो पैच टूल के जरिए बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से होता है। इस तरह से हमने सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो क्लियर जगह होगी वहां पे जाके छोड़ देना है। तो इस तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे। आप देख रहे हैं कोई सही हो रहा है कोई नहीं हो रहा, तो ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि अक्सर इमेज होती हैं जो आसानी से साफ नहीं होती इस तरीके से भी। तो ये आपको करके मैं फिर बताता हूँ कि इसमें कौन सी मिस्टेक रह रही है कौन सी नहीं रह रही। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये देखें किस तरह से रिमूव हो चुकी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये व्हाइट व्हाइट चीजें हैं, तो ये इसको किस तरह से हमें खत्म करना है। यहाँ पे आना है स्टैम्प के ऊपर, ये क्लोन स्टैम्प टूल जो है, इसका शॉर्ट की जो है एस है। तो इसको जो है, ये व्हाइट व्हाइट जगह जो हमें दिखाई दे रही है, इसको हमने खत्म करना है। तो हम यहाँ पे आल्ट प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से उसका एरिया सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर ये कैपेसिटी ज्यादा है तो आप इसको लो कर लें। तो लो करके फिर हम कर लेते हैं। ये जैसा कि यहाँ पे रेड खड़ा है, ऊपर ये सिलेक्ट होने की वजह से हमारा ये काम नहीं कर रहा था। तो अब फिर से हम स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टैम्प टूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, ये जो रेड रेड है, जो मिसिंग वगैरह है, वो हम स्टैम्प टूल के जरिए इजीली खत्म कर सकते हैं। तो ये पिंपल भी हम इसके जरिए से खत्म कर सकते थे, लेकिन उससे बहुत टाइम जाया हो जाता हमारा, तो इसलिए जो छोटी मोटी मिसिंग है तो वो हम यहाँ स्टैम्प के जरिए ठीक कर सकते हैं। ये देख ले, हमारे पिंपल हो गए क्लियर। अब हम इसको जो स्किन है इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे इमेज में एडजस्टमेंट। यहाँ पे जो है कर्व, इसका शॉर्ट की है कंट्रोल एम। तो हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस या ऑटो करके देख लेते हैं, ऑटो में कलर सही नहीं आ रहा, तो हम ब्राइटनेस कर लेंगे। ये ब्राइटनेस कर ले, ओके। तो आप यहाँ पे जो लेयर खड़ी है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हो। अगर यहाँ से नहीं कर सकते तो कंट्रोल जे जो है फिर भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो हम इसको फिर ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे कॉपी करेंगे, एडिट पे आके फिर पेस्ट करेंगे, फिर भी डुप्लीकेट बन जाएगा। तो अब हमने इसका डुप्लीकेट जो बना लिया, इसका क्या करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे फिल्टर में। फिल्टर में आके ब्लर ब्लर ग्लासिंग ब्लर, तो हम यहाँ पे इसको क्लियर करेंगे कि कितना हमने इसको क्लियर करना है। जहां पे दाग धब्बे होंगे छोटे मोटे वो भी खत्म हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे सही है, ओके। तो उसके बाद जो है एड लेयर मास्क, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने आना है इधर पेंट बकेट टूल के ऊपर, जिसका शॉर्ट की जी जी है। तो हम यहाँ पे आगे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे ऊपर व्हाइट है, तो हम ये जो तीर बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें,
इसका शॉर्ट की जो है वो है एक्स, ये देखें एक्स के जरिए हम यह चेक कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर बुर्श जो है वो यूज करना है, ये आ गया बुर्श, इसका शॉर्ट की बी है। तो अब यहाँ पे जो हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, तो यहाँ पे बुर्श काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब ब्लैक कलर जो है ये ऊपर है, तो हम इसको करेंगे नीचे, एक्सप्रेस करते हैं, ये व्हाइट कलर ऊपर आ चुका है, तो ये देखें तो इसके ऊपर ज्यादा मेहनत भी नहीं होगी। और आप एक मिनट में यहाँ पे जिस तरह मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, तो जहां पे जितनी जगह होगी उतने ही बुर्श करके चलाना है ताकि फोटो अच्छी बने। तो इसमें कोई ज्यादा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है जिससे आप घबराएं, आपको कोई चीज भी चाहिए होगी तो मैं आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूं, तो वहां पे आपको सब चीजें फ्री में मिलेंगी। तो ये हमारा फोटो हो चुका है रेडी, क्योंकि हमने फेस पे जो काम किया है वही दिखाई दे रहा है, उसके बाद कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए ये हमारा फोटो हो गया रेडी। अब हम इसको करेंगे सेव, तो Alt Ctrl S जो है हमने प्रेस करना है, इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे फाइल पे आके सेव एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी रीनेम देके इसको सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि मेरे चैनल पे आएं और मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।